आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, बीजेपी ने 15 साल में प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, अब समय आ गया है इस बर्बादी से मुक्ति पाने का। सिंधिया होशंगाबाद में सरताज सिंह के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होशंगाबाद जिले की 2 विधानसभा का सघन दौरा करते हुए आम सभाओं को संबोधित किया। होशंगाबाद इटारसी विधानसभा क्षेत्र में सरताज सिंह के पक्ष में स्थानीय जयस्तंभ चौक पर एवं सिवनी मालवा में पुराने बस स्टैंड पर आम सभा को संबोधित कर भाजपा की सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 15 सालों में जो बर्बादी के हालात हुए हैं, अब समय आ गया है कि इस बर्बादी से मुक्ति पाने का। एक एक ठेका भाजपा के नेताओं के नाम पर और जिन ट्रकों के पीछे एक परिवार का नाम लिखा हो, वो चेकिंग के बिना एक तरफ से दूसरे तरफ निकल जाते हैं। सही है कि नहीं? शिवराज सिंह जी चौहान निकले थे नर्मदा सेवा यात्रा के लिए। वो नर्मदा सेवा यात्रा नहीं थी, वो तो नर्मदा सर्वे यात्रा थी, क्योंकि दिन में होता था भ्रमण और रात में होता था आवेदोखन। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 गाजर घोषणाएं की, लेकिन अमल किसी पर नहीं किया गया। इस दौरान नोटबंदी, रेत के अवैध उत्खनन सहित प्रदेश में फैले भाजपा का कुशासन जनता के समक्ष है। इस दौरान सिंधिया ने बेरोजगारी, कालाबाजारी, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, रसोई गैस जैसे मुद्दों पर जनता का आह्वान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की शपथ दिलाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।